आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किसी फ्रैक्शन को जोड़ते और घटाते कैसे हैं, जिसे हिंदी में भिन्न का जोड़ और घटाव बोलते हैं। और जिस तरह से हम करते आ रहे हैं शुरू से, जो एलसीएम निकाल करके हम लोग करते हैं, उसका क्या रीज़न है, उस तरह से हम लोग क्यों जोड़ते घटाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्लस वाला देखेंगे क्योंकि माइनस में कुछ नहीं है, साइन चेंज कर देंगे तो वो घटाव में हो जाएगा, भिन्न का घटाव बन जाएगा। तो देखिए निकालने का तरीका क्या है, इसको पहले तरीका देखेंगे जैसे हम लोग निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं और उसका रीज़न क्या है, उसको बाद में देखेंगे अभी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं निकालने के लिए, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे एक 4 है और एक 5 है, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम, एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 कितना आ जाएगा, 20। तो एलसीएम को मैं यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं कि जो एलसीएम मेरा आया, उस एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 20 × 20 को डिवाइड करेंगे 4 से, कितना आ जाएगा, 5। तो जितना भाग दिए उसको ऊपर लिख दिए, 5 आ गया, भाग देने के बाद जो आया। अब उसके बाद जो आता है उसको अंश से, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो 5 आया था भाग देने के बाद, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले से, 3 से। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस, अगर माइनस होता तो माइनस कर देते। फिर डिनोमिनेटर को अब दूसरे, फिर एलसीएम को दूसरे डिनोमिनेटर से हम डिवाइड कर देंगे, 20 को डिवाइड कर देंगे अब इस बार 5 से, कितना आ जाएगा, 4। अब जो आया उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर से, ऊपर में कितना है, 1। ये कितना हो जाएगा, 15 प्लस 4 बाई 20, 19 बाई 20। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब ये जो हम तरीका करते हैं कि एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं फिर ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्यों करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ और समझेंगे। यहाँ पर है 3/10, 3/10, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर जो 10 बॉक्स है, 10 हम बॉक्स ले लेते हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हमने बॉक्स लिया, इसमें से 3 बाहर, कोई चीज़ 10 ठो है, हम 10 ठो बॉक्स मान लेते हैं, एक बॉक्स बना लिए जिसमें 10 ठो 10 पार्ट है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 10 पार्ट है, उसमें से 3 पार्ट, 10 पार्ट में से 3 पार्ट, 3/10 का मतलब यही हुआ। 4/10 का मतलब क्या, 10 पार्ट में से 4 पार्ट। तो अब यहाँ पे देखिए 3/10 है, इसको हम कलर कर देते हैं, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया, ये हो गया आपका 3/10, ये आपका 3/10, और ये है आपका 4/10 है। तो अब क्या करेंगे, 4 और पार्ट हम ऐड करना है ना, तो 3/10 तो ये हो गया, अब 4/10 ले लेते हैं, तो ये 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 पार्ट था। ठीक है, अब उस 10 पार्ट में से सबसे पहले हमने 3 पार्ट लिया, मतलब 3/10 किया, तो 1, 2, 3, 3/10 हो गया। फिर हम ऐड किए कितना, 10 पार्ट में से 4 पार्ट और ऐड कर दिए, तो 1, 2, 3, 4, टोटल कितना पार्ट हो गया, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पार्ट, मतलब कितना में से, 10 में से, तो ये हो गया 7/10। तो यही हो गया इसका एडिशन, 7/10, समझ में आया बात। अब देखिए इसको अगर आप ऐसे निकालिएगा, और ये जो किए हैं ना, इसी का शॉर्टकट ये एलसीएम वाला होता है, एलसीएम वाला आपको नेक्स्ट एग्जांपल समझ में आएगा कैसे होता है। यहाँ पे देखिए एलसीएम हो गया 10, अब 10/10, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, प्लस का साइन है यहाँ, प्लस कर दिए यहाँ। ठीक, अब फिर 10/ ये वाला 10, फिर आ गया 1, डिवाइडेड बाई कितना, ऊपर वाला से, 4 से, तो 1 × 3, 3 प्लस 4/10, 7/10। देखिए तो ये और ये सेम आया ना। अब ये एलसीएम वाला जो चीज़ है, ये आपको नेक्स्ट एग्जांपल में समझ में आ जाएगा, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये है आपका 3/4 प्लस 1/5, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, यहाँ देखिए
इसमें यही एग्जांपल था 3/4 + 1/5। अब इसी को हम जानेंगे कि क्यों हम वो एलसीएम वाला मेथड से बनाते थे। तो यहाँ देखिए ये 3/4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चार बॉक्स है, समझिएगा ध्यान से, चार बॉक्स है, एक मिनट, चार बॉक्स हो गया, इसमें से चार बॉक्स में से तीन पार्ट है, इसमें है तीन पार्ट, 1, 2, 3, ठीक है। अब 1/5 का मतलब क्या हो गया, कोई पांच बॉक्स है, इसमें से एक पार्ट, एक पार्ट, ये हो गया 3/4, चार पार्ट में से तीन पार्ट, ये हो गया 1/5, पांच पार्ट में से एक पार्ट, ऐड करेंगे कितना होगा, समझ में नहीं आ रहा है। आप कहिएगा कि अगर 3/4 में 1/4 ऐड करते तो 4/4 हो जाता, मतलब चार में से चारों भाग, लेकिन यहाँ 4 में देख रहे हैं कि तीन भाग है, यहाँ पाँच गो में देख रहे हैं, तो कैसे ऐड करें नहीं समझ में आ रहा है। तो हम उसी के लिए क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर सेम करेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि आप कब बना पाते कि अगर चार में से तीन देख रहे हैं, चार में से ही एक और ऐड करते तब ना, चार क्या है, डिनोमिनेटर है, मतलब कहने का कि डिनोमिनेटर सेम रहता तो हम इजीली बता पाते कि कितना होता। तो इसके लिए हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, तो आइए सेम करते हैं 3/4 और 1/5। अब डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा, तो एलसीएम लेंगे, देखिए यहाँ एलसीएम यूज हो रहा है ना, यही एलसीएम वहाँ भी यूज होता है, आपको हम अभी कनेक्ट करेंगे या आपको हो रहा होगा शायद कनेक्ट। तो 4/4 और 5 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 4 और 5 कितना, 20, तो यहाँ हम लिख दिए 20, ठीक है, और यहाँ भी लिख दिए 20। अब डिनोमिनेटर तो सेम कर दिए, तो सेम कैसे होगा, जब हम 4 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें सेम कैसे होगा जब इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब नीचे जब 5 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी यहाँ 5 से करना होगा, तभी तो संख्या इक्वल हो जाएगा, नहीं तो संख्या बदल जाएगा ये। अब यहाँ नीचे 4 से किए तो यहाँ भी 4 से करना होगा, तो हम देख क्या रहे हैं कि डिनोमिनेटर इक्वल करने के चक्कर में न्यूमरेटर मेरा यहाँ 15 हो गया और यहाँ 4 हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं यहाँ कि 3/4 का मतलब 15/20 हम लिख सकते हैं, 1/5 का मतलब 4/20 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए कितना होगा, तो आप ये बॉक्स बना के आसानी से बता सकते हैं। चलिए 20 बॉक्स बनाते हैं, कहाँ तक जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 बॉक्स बना दिए, ठीक। अब इसमें क्या है कि 20 में से 15 भाग है, 15 हम रंग लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 भाग रंग लिए। अब हमको ऐड करना है कितना, 20 में से 4 भाग और, तो 1, 2, 3, 4, तो कितना पूरा कलर हो गया इसमें, 20 में से 19 भाग कलर हो गया आपका। तो हम कह सकते हैं कि 3/4 + 1/5 इसका मतलब क्या हुआ, 15/20 + 4/20, 15/20 + 4/20, और इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ से निकालें 19/20, समझ गए। अब ये जो हम प्रक्रिया किए हैं, ये वाला जो हम प्रक्रिया किए हैं कि पहले हम क्या किए हैं कि एलसीएम को इक्वल किए, फिर उसके बाद क्या किए हैं कि ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ा, तब जा कर के हम फिर इसमें देखें, इसी को शॉर्टकट में हम ये वाला मेथड से बनाते हैं, एलसीएम वाला मेथड से, ये जो आपको बताए थे, देखिए कैसे। यहाँ पे क्या है कि हम एलसीएम लेते हैं,
इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा, समझिएगा। यह हम क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं, किस लिए, क्योंकि डिनोमिनेटर हमको यहाँ इक्वल करना होता है। देखिए तो इक्वल करने के लिए लिए थे ना, लिए थे। अब हम देख रहे हैं कि जब इक्वल करने के लिए 20 लिए थे, 20 कब होगा, जब इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है बात? तो जब यहाँ 5 से करेंगे तो यहाँ भी तो 5 से करना होगा, तो ये कितना हो गया, 15 हुआ, प्लस यहाँ देखिए यही 15 यहाँ पे आ गया। फिर अब इसको 20 बनाने के लिए क्या करना होगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो जब यहाँ 4 से किए तो यहाँ भी करना होगा, ये कितना हो जाएगा, 4, देखिए ये वाला 4 यहाँ आ गया, यही हो गया 19/20। अब इसी 5 को लाने के लिए कि कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 5 आएगा, हम बोले थे कि इसको सीधे डिवाइड कर दीजिए। समझ में आया? आई होप आपको इसका रीज़न भी पता चल गया कि क्यों हम लोग एलसीएम लेकर के डिवाइड मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।